हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल गुड एंड सेफ। आज का हमारा वीडियो है कि आप कैसे अपने घर में ही पड़ी हुई वस्तु से अपने हॉल को डेकोर कर सकते हैं, इससे आप अपनी एम्प्टी हॉल को कैसे ब्यूटीफुल सा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हमें चाहिए ए रोप, जिसमें हम कपड़े ड्राई करते हैं। मैंने अपने पसंदीदा कलर्स यहाँ पे चूज किए हैं। आप चाहो तो इसको कलर को आप चेंज भी कर सकते हो। दूसरा है ये कार्डबोर्ड, यहाँ पे मैंने एक थिक कार्डबोर्ड लिया है। अब हमें इस कार्डबोर्ड में से सर्कल शेप के 6 पीसेस को काट लेना है। इसके लिए मैंने इस प्लेट का यूज़ किया है। पहले हम इस प्लेट की साइज़ के 2 पीसेस को मार्क करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो कोई भी प्लेट्स या अपने आप ही मेजरमेंट लेके आप अपने हिसाब से सर्कल को ड्रॉ करके उसको कट कर सकते हो। प्लेट के ऊपर हाथ से प्रेस करते हुए हमें ड्राइंग लाइन बनानी है। कुछ इस तरह से हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। अब उससे छोटी प्लेट लेंगे और मेजरमेंट लेके 2 पीस हम कट कर लेंगे। इसी तरह हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के 6 पीसेस को ड्रॉ कर लेना है और फिर बाद में उसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। कट करने के लिए आप किसी भी प्रकार का कार्डबोर्ड कटर या सीजर से आप कट कर सकते हो। इस तरह से सभी 6 पीसेस को हमें अच्छे से काट लेना है। कुछ इस तरह से हम कार्डबोर्ड को पहले निकाल लेंगे बड़ी ही सावधानी से। हमने 6 पीसेस को निकाल लिया है। आप चाहे तो 8 या 10 पीसेस भी बना सकते हैं। अब हम इस कार्डबोर्ड और रोप की हेल्प से बहुत ही अच्छा सा होल डेकोर पीस बनाएंगे। अब हम पेंसिल की हेल्प से सेंटर में मार्क कर लेंगे। ग्लू गन की हेल्प से अब हम सेंटर में ग्लू लगा देंगे। उसके बाद एक रोप लेके इस तरह से पहले इसको ग्लू लगा के चिपका देंगे और इस तरह से पहले फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरह कर रही हूँ। इस तरह से हमें ग्लू लगाते जाना है और रोप को उस पर पेस्ट करते जाना है। सभी में इसी मेथड को हमें फॉलो करना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो मैं किस तरह कर रही हूँ। पहले ग्लू को हमें रोप में लगाना है, इस तरह से हमें रोप को स्टिक करते जाना है। पूरे ही सर्कल में हमें रोप को फैला देना है, स्टिक कर देना है।
अब हमें दूसरे पीस में भी वही मेथड को अप्लाइड करना है, ग्लू लगाते जाना है और रोप को उस पर स्टिक करते जाना है। इसी तरह सभी 6 पीसेस को हमें रोप से लपेट लेना है। अब हमारे सभी पीसीस रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। अब हम इसे वॉल में स्टिक करने के लिए डबल साइडेड टेप को इस तरह से लगा लेंगे। आपको किस तरह के पैटर्न चाहिए वो पहले बना लो और बाद में वॉल पर स्टिक कर लो, क्योंकि बाद में कोई परेशानी ना हो कि हमें किस तरह से इसे प्लेस करना है। इसके बेहतर है पहले आप नीचे ही इसका मेजरमेंट कर लो। मुझे इस तरह की पैटर्न चाहिए। अब हम इस तरह से दीवार पर इसे स्टिक करते जाएंगे। सभी सर्कल्स को हम वॉल पर इस तरह से स्टिक कर देंगे। आप इसे इस तरह भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रिंग लाइट का यूज़ करूँगी जिससे कि इसका नाइट व्यू भी अच्छा आए। इस तरह से हमारा एक सुंदर सा वॉल डेकोर बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें एक स्ट्रिंग लाइट्स को लगा देंगे। स्ट्रिंग लाइट्स को हम सेलो टेप का यूज़ करके चारों तरफ इस तरह से हम लगा देंगे। अब स्ट्रिंग लाइट्स के चालू होने के बाद कुछ इस तरह से इसका डे व्यू और नाइट व्यू आ रहा है। आप देख सकते हो नाइट में भी कितना सुंदर सा लग रहा है और एक नाइट लैम्प की तरह भी काम कर सकता है। नाउ दिस इज अ फाइनल लुक।